गुड मॉर्निंग माई स्वीट फ्रेंड्स, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। सो ये वीडियो है फ्राइडे का। और यहाँ देखो पापा, मतलब फर्स्ट ना पापा चीकू को गोद में लिए, मैं फिर से करने बोली, ये दूसरा टाइम है तब मैं शूट नहीं की। तो जैसे पापा चीकू को गोद में लिए तो सना देख रही थी एकदम से, और पापा की तरफ देख रही थी और मेरी तरफ देख रही थी, जैसे बोल रही थी कि दादू क्यों दादा को लिए, मीन्स उसको पता है उसके दादू बस उसे ही लेते। तो फर्स्ट टाइम में शूट नहीं किए, सेकंड टाइम में पापा को बोली तो वह देखो बार बार मेरे तरफ भी देख रही थी और दादा की तरफ कि मेरे दादू क्यों उसके दादा को गोद में लिए। तो यहाँ पे आने की मतलब दादू के गोद में जाने के लिए कैसे कर रही थी। तो ये फ्राइडे के दिन का है जो भाभी लोग अष्टमी हम लोग एक साथ अंजलि दिए थे, उसके बाद भाभी लोग अपने मम्मी पापा के घर गए थे और आज आए दोपहर में। और आज मतलब फ्राइडे को चाचा के घर में मेरे भाई के बेटी का, जो मैं बोली थी सना की छोटी सी आने वाली है, तो उसका षष्ठी पूजा है, बंगाली में होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है 21 दिन के बाद उसको षष्ठी पूजा देते हैं, उसका मुंडन करा के ब्राह्मण आके करते हैं। तो जैसे कि मेरे रक्षाबंधन में बोली थी, मेरा एक भाई है कज़न सिस, मेरे चाचा का छोटे चाचा का बड़ा बेटा, वो अहमदाबाद में जॉब करता है तो आ नहीं पाया। तो उसकी सना से 2 महीने छोटी है सना की सिस, तो अभी वो दशहरे में घर आए तो उसका षष्ठी पूजा घर में किए, मतलब 21 दिन के बाद ही करते, तो वहाँ पे नहीं किए थे तो घर आके चाचा के घर किए। तो हम सब इनवाइट था, तो सुबह जैसे भाभी लोग नहीं आ पाए थे घर से जल्दी, और तो भैया लोग सब है, मम्मी सब काम करने में ये सब करने में सुबह पूजा में नहीं जाना हुआ, तो रात को डिनर के लिए चाचा के घर में। तो यही पे सना सो गई थी, शाम को यही जाने की सब तैयारी कर रहे, सब हो रहे, तो मम्मी बोली कि तू उसे पहले थोड़ा खिला दे, क्योंकि वहाँ जाके खिलाना सब लोग के बीच में कैसा होगा, और सो के थी चिड़चिड़ करेंगी। तो यहाँ पे सना को मैं उसको सेरेलैक्स खिला रही थी, और सना को खिलाने में बहुत टाइम लगता है, पहले थोड़ा एक दो बाइट ले लेती है, उसके बाद तो असली गेम चालू होता है, मतलब उसको कुछ दिखाओ बहलाओ फुसलाओ, मतलब उसके बाद तो खाना ही नहीं चाहती। तो इस तरह से मैं उसे खिला रही थी, तो बहुत टाइम लगता है उसको खिलाने में। तो सना का षष्ठी पूजा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे चारे नेफ्यूज़ की षष्ठी पूजा हुआ, जैसे आदर्श आयुष आया नरमान का। तो जब मेरी बेटी सानवी हुई तो मुझे भी लगा कि इसका भी षष्ठी पूजा होगा 21 दिन के बाद। तो जैसे सना के पापा यहीं पे थे जब सना हुई थी, तो जब 21 दिन होने को आ रहा था, टाइम आ रहा था, तो मम्मी ने सना के पापा को बोले कि अपने घर में पूछो, क्योंकि सबके इसमें षष्ठी पूजा नहीं होता है, जैसे कि मेरे पापा की यहाँ पे है षष्ठी पूजा, बट मेरे मम्मी के घर पे षष्ठी पूजा नहीं है। जिनके इसमें षष्ठी पूजा नहीं होता है तो उनको पान तेल देते हैं, वो भी दूसरा एक क्या कहते हैं, दूसरा कुछ है, जो षष्ठी पूजा नहीं करते वो तेल पान करते। तो उनके पापा घर पे पूछे तो उनके इसमें षष्ठी पूजा नहीं है, तो सना का तेल पान तेल दिए। तो मुझे नहीं पता एक्चुअली पान तेल बोलते हैं कि तेल पान बोलते हैं, पर जो बोलते हैं तो वो दिए। तो षष्ठी पूजा षष्ठी ठाकुर मीन्स हमारे बंगाली में षष्ठी माँ बोलते हैं, मतलब बच्चों की देखभाल करते, कभी कभी जैसे सना गिर जाती है ना, मतलब बैठे बैठे, तो मैं मम्मी को बोलती है धर धर रहीश ऐसा कुछ बोलती हो, तो मम्मी बोलते ऐसा कुछ मत बोलना, मत चिल्लाना, षष्ठी माँ को बोलना कि षष्ठी माँ आप पकड़ो, जैसे बच्चे लोग सोते हंसते रोते तो मम्मी बोलती है षष्ठी पूजा, षष्ठी माँ उनके साथ खेलती है, तो वही षष्ठी माँ का पूजा था। और सना का नहीं हुआ तो कोई नहीं, तो मुझे बहुत ये था कि सना का भी षष्ठी पूजा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्राह्मण आके उसकी पूजा करते, मतलब मम्मा उसके गोद में लेके अपने बच्चे को बैठे रहते, तो अच्छा लगता है मुझे। मैंने मेरे दोनों भाभियों को देखी हो, मेरे चारे नेफ्यूज़ को नेफ्यू का पूजा किए थे षष्ठी पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लास्ट में वीडियो ऐड करूँगी मेरे कज़न भाई की बेटी का, मतलब उसका नाम ईशानी है। तो सच्ची में जाना था, लोग भी ज़्यादा नहीं हुए थे बाद में मैं देखी, क्योंकि सबको प्रॉब्लम भी होता है, सब लोग जैसे कि देखो घर में मम्मी थी अकेली, सब कुछ करके जाना, फिर सानवी को खिलाना, घर में खाना बनाना, और ये पूजा के वक्त है सब कुछ,
वो दौड़ भाग रहती है, तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया षष्ठी पूजो। और यहाँ पे देखो सना को खिलाने में कितना कुछ लगता है। फिर यहाँ पे चिकू और अयान आ गए थे, तो मैं उनको बोल रही थी देखो तुम लोग थोड़ा बूनों के साथ बात करो, फिर वो खा लेंगे फटाफट। फ्री फायर कर रही है, देखो अरे ना बाबा, ये खाना अनेक बड़ो टास्क, मतलब तुम्हें सो देखे सना को खिलाना मतलब कितना बड़ा टास्क है। और वो अभी ना अच्छे से खा भी नहीं रहे और वो पहले से बहुत दुबली हो गई है। तो पापा बोल रहे थे कि उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे अभी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही और वो पहले से बहुत वीक हो चुकी है। पहले अच्छी थी उसकी हेल्थ, बट अभी जो भी उसको देखते तो सब बोलते हैं कितनी कमज़ोर हो गई, पहले अच्छी थी। तो क्या करें, अब खाती नहीं तो मम्मी बोलती है कि मम्मी पापा बोल रहे थे उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो अभी हम लोग सब चाचा के घर जा रहे हैं लंच करने, तो आप लोग भी चलो। और मेरे पास मेरा आदि है, ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मीन्स बहुत है ना आदि। और देखो खुद भी बोल रहा है, हाँ खुद की तारीफ खुद कर रहा है। और आज हमारे कॉलोनी का दुर्गा विसर्जन किए, आज फ्राइडे है, बट सब लोग गए थे, किसी ने मोबाइल लेके नहीं गया, नहीं गए मम्मी और सना को भी लेके गए। तो मम्मी को बोल रही थी आप गए तो आदि को क्यों नहीं बोले, आदि बहुत अच्छा मेरा फोटोग्राफर है। मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट की थी वो भी आदि ने किया था, उस दिन पापा और आदि गांव से आए थे, है ना आदि। तो बहुत अच्छा, अभी भी ले जा रहे मुझे, डीजे की आवाज़ आ रही है और अंधेरा हो चुका है, तो अभी जाके ब्लॉग करेंगे। और मम्मी भी गई थी, जैसे कि सिंदूर खेला होता है, तो कुछ भी ब्लॉग नहीं किए मम्मी ने, आई मीन मोबाइल ही नहीं लेके गए। तो मम्मी को बोली आप वहाँ गए, मुझे बोल के तो जाते, मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ गए। तो चलो फिर सना की छोटी सी से मिलते हैं, सब लोग मिलने जा रहे हैं। मेरे वीडियो में बने रहो, बोल भाभी मेरे पिशिमा के चैनल को, पिशिमा के चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब, वेरी गुड, ज़रूर करो। आदि की बात मानो फटाफट, जल्दी से 1000 1K कर दो, 1000K करोगे तो वाह, जल्दी से 1K कर दो। आप लोगों को भी घूमना है तो चंद्रपुर के गांव में आ जाना, गांव ना चंद्रपुर सिटी, सॉरी मतलब चंद्रपुर सिटी में आ जाना। और मेरा नाम है चीकू और अरमान। क्यों चीकू, खाली खाली हो जा, ये है जिंदा टेडी बियर है ना पापा, मैं वो जिंदा टेडी बियर देखता हूँ, टेडी बियर जैसे। और ये देखो मोबाइल मैन है हमारे पास, अब हम गुड नाइट बोल रहे, हम निकलता है, ब्लॉग खत्म कर दो। तो यहाँ देखो चिकू के सामने फोन ऑन कर दो ना, वो इतना अच्छा बात करता है, तो वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। तो यहाँ देखो हम चाचा के घर जा रहे थे, तो गाड़ी में सब एक साथ बैठ के गए। और आप लोग चिकू के और आगे उसके बाद सुनो कितना क्यूट बात करता है। ये जाने है ना कोने से कोयले चैनल, हम लोग छोटे दादा के घर में जा रहे हैं, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, गुनू का पूजा, मैं भी जा रहा हूँ, गुनू का पूजा इसीलिए जा रहे हैं। ये देखो मेरे पापा, देखो दिख नहीं रहा ना, नहीं वो देखो हमारे सामने सामने चल रहे हैं हम लोग, और पापा स्कूटर, काका का स्कूटर चले चला कर चल, मेरे दादा के बाइक में भैया जा रहे हैं, आदि दादा, आदि दादा जा रहे हैं, और काका ट्रेन चला रहे हैं।
सो यहाँ देखो हम चाचा के घर चले आए। ये है मेरे छोटे चाचा जो वाइट शर्ट पे है, और बड़े भैया वो ईशानी को गोद में लिए। सब लोग बाहर जा रहे थे, कुछ तो भी तड़का दिए थे तो सब लोग खास रहे थे, तो ईशानी को और सानवी को दोनों को बाहर लेके गए। तो वो ईशु सो के उठी थी अभी, और ये देखो पीयू के गोद पे सना। तो मैं भी बहुत दिनों के बाद आई मेरे चाचा के घर। तो मेरा राजेश भाई वो भी बोल रहा था कि दी हम लोग बहुत दिनों बाद एक पूरी फैमिली मिले, बस यहाँ पे जीजू की कमी है क्योंकि सना के पापा दशहरे पे ही चले गए अपने घर कांद्रा वहाँ पे। तो मैं भी उनको बोल रही थी कुछ दिन रुक जाते थे। तो ये है मेरा राजेश भाई जो सबको नाश्ता दे रहा था, और यहाँ पे दोनों क्यूट क्यूट से। सो ये देखो दोनों से पहली बार एक दूसरे से मिले, सानवी और ईशानी। टू लिटिल क्यूट एंजल है ना, दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। ओम प्रजापति शिकायत चंद्रम नमः मां षष्ठी देवी ओम भूस्वाहा। ओम प्रजापति शिकायत चंद्रम नमः आदितारे नवग्रहाय ओम भूस्वाहा। ओम प्रजापति शिकायत चंद्रम नमः अग्नि देवताय ओम भूस्वाहा। सो ये है नेक्स्ट डे। सब भाभी मेरे चारे नेफ्यू घर जाने के लिए, भाभी लोग नाश्ता कर रहे और हम यहाँ पे बहुत बात कर रहे थे, और भाभी मैं शूट टू कर रही थी, भाभी बोल रही ये सब मत डालना क्योंकि पागल जैसे दिख रहे ऐसे बोल रहे थे। तो मैं डाल दी, और भाभी जब देखेंगी मुझ पर बहुत हंसेंगी क्या डाल दिए। और यहाँ देखो मैं अरमान को गोद में ली, तो वो सना बार बार मेरे पास आने के लिए, मतलब उसे सबको, मतलब सबका अटेंशन उसे खुद पे चाहिए। और यहाँ देखो आप लोग बस सुनो मेरे भाभी लोग क्या बोलते हैं। और भाभी लोग जब भी घर में होते हैं ना, सब मेरे रूम में नाश्ता हम लोग सब एक साथ करते हैं। ये हमारे चिकन सूप बना दियो, चिकन स्टू, उन्होंने चोर से चिकन स्टू अरे डाला ना एक तो ऐसा है तो सब खा खा फिर कब आओगे चीकू? हम आएंगे 10 महीने बाद। ओ कोई रे, फिर कब आओगे चीकू? हम दिवाली में आएंगे। मोबाइल लिए बा, मोबाइल पे ना आप लोग में आओगे ना। और ये तो मस्ती पे भरा पूरा, जब फटा के फुटाएंगे तो इसका दुकान बाजा बन जाएगा। और सब लोग अभी चले जाएंगे घर क्योंकि भैया लोग की छुट्टी भी ख़त्म हो गई है, और चारे नेफ्यू का स्कूल भी है जो स्टार्ट हो गया, एक दिन ऐसे भी बंद हो गया। तो सबसे ज़्यादा सना सबको मिस करेंगे। और मेरे सेकंड भैया कुछ दिन पहले आए थे, तो मेरे सेकंड भैया हमेशा उसको रखते थे, मैं कुछ करूँ उसको थोड़ा खिला दूँ, भैया को बोलती थी ले। और भैया सो के भी रहते थे ना सुबह, भैया के पहले उसको उठा देते थे, मतलब इतने दिनों भैया के पास ही थी, मंस खिलाना नहा उसका नहलाना हो गया, बस भैया ही रखते थे। तो यहाँ पे देखो सब जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सच्ची में सना मिस करती है, और करेंगी क्योंकि वो बोल नहीं सकती अभी, बट ऑब्वियसली वो सबको ढूंढती है। जैसे उसके पापा पहले गए ना दशहरे पे, तो मैं उसको बोलती हूँ सना पापा को ही, तो दरवाज़े की तरफ देखती है एकदम सैड होकर, मेरे फेस की तरफ देखती है। तो यहाँ सब जा रहे हैं, और सच में
पहले हम सब एक साथ रहते थे बहुत अच्छा लगता था, अभी जैसे कि मम्मी पापा में और सना, सना के पापा भी यहाँ ज़्यादा नहीं रहते तो बहुत मिस करती हूँ सबको। सबके साथ रहने की आदत थी, अभी सब अपने अपने जगह पे गए। ठीक है कोई नहीं, फिर से जल्दी मिलें। सो यहाँ देखो सब लोग सना को एक बार ले रहे थे क्योंकि सब लोग उसको बहुत मिस करेंगे क्योंकि और उसे बहुत घूमना पसंद है। जैसे मेरे सेकंड भैया हमेशा लेके उसको बाहर ही घूमते थे और उसे भी घूमना पसंद है, उसके दोनों मामी भी। और जब से घर आए तब से मैं ज़्यादा सना को लेती भी नहीं, कुछ किए तो भाभी ले लेती है, मैं बोलती हूँ ले लो खिला दो। और यहाँ देखो मेरे सेकंड भैया उनकी स्कूटी लेके आए थे पहले क्योंकि घर में चाहिए होता है, तो भैया बोले पहले मैं निकल लेता हूँ क्योंकि पापा भी बोले धीरे धीरे चला के जाना। बाय काका, बाय काका। सो आज के लिए बस इतना ही आप सबके लिए, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी ढेर सारा शेयर कीजिए। और यहाँ पे देखो आदि उसका चप्पल भूल गया था तो भाग के बोला मैं लेके आ रहा हूँ, और वो दौड़ के ना मेरे पास आया था। हमेशा आता है, सब कोई आए कि ना सब तो मुझे बाय बोल के जाते ही है, बट रूम पे दौड़ के आया था मुझे बाय बोलने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।